सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं Realme का एक नया स्मार्टफोन लेके आया हूँ, बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ है, साथ ही ये बहुत ही बजट में है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, कैमरा टेस्टिंग करेंगे और दिखाएंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसा प्रोसेसर है, कैसी बैटरी लाइफ है, कैसा है कैमरा और कितने का ये मार्केट में आपको ऑफलाइन मिलेगा और कितने का ये ऑनलाइन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये है C1 यानी Realme का C1 और ये 2GB रैम में आया था, 2GB रैम और 16GB की इंटरनल मेमोरी। लेकिन ये वाला जो मॉडल है वो है 3GB रैम में और 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोनों ही फ़ोन सेम है, केवल रैम का अंतर है और बैटरी का अंतर है। इसमें बैटरी आपको 4030mAh की बैटरी मिल जाएगी और पुराने वाले में आपको 3700mAh की बैटरी है। बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और इसमें जो आपको कैमरा बैक में मिलेगा रियर में, उसमें दो कैमरे दिए गए हैं, एक 13 मेगापिक्सल का और एक साथ में 2 मेगापिक्सल का। आगे जो फ्रंट में कैमरा है दोस्तों वो थोड़ा सा कम है आज के ज़माने में, लेकिन 5 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा है। लेकिन अगर रियलमी के कैमरे की बात की जाए तो इनका 5 मेगापिक्सल नॉर्मल इंडियन फ़ोन्स के 8 मेगापिक्सल से अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपके सामने खुल गया और ये कुछ यूजर मैनुअल हैं, वारंटी कार्ड है और यूजर गाइड है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वैसे कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता दी है। लेकिन इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी, अगर टेक्निकल रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं तो। साथ में ये आपको ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट कवर भी अच्छी क्वालिटी का है, हल्का नहीं है, मोटा है, मतलब सही है अच्छी तरीके का। तो दोस्तों आप फ़ोन को देखते हैं, फ़ोन के अंदर, फ़ोन के बैक में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो देख लेते हैं। फ़ोन को साइड में रख लेते हैं और ये देखते हैं, 3GB रैम और 32GB वाला ये फ़ोन है। दोनों में जो प्राइस का अंतर है वो 1000 का अंतर है, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइस आगे भी। तो इसमें 2 एम्पियर का फास्ट चार्ज है रियलमी, 2 एम्पियर का इसके पावर सप्लाई है और ये है फास्ट चार्ज। तो C1 का ये लेटेस्ट वर्जन है यानी अभी 2019 एडिशन, तो काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों जो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर 450 प्रोसेसर, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड है 1.8 GHz, जो बहुत अच्छा है। और नॉर्मल जो अभी लेटेस्ट जो फ़ोन आ रहे हैं महंगे फ़ोन 14-15 हज़ार के, उसमें 2.2 GHz की स्पीड रहती है, एक 1.8 GHz की स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये फ़ोन का आगे से लुक है और ये बैक से लुक है। इसके अंदर आपको ईयर पीस नहीं मिलेगा, केवल आपको एक चार्जिंग केबल सी टाइप, यूएसबी सी टाइप चार्जिंग केबल दे रखा है और एक फास्ट चार्ज एडाप्टर दे रखा है और कुछ नहीं है, बैक कवर है ये फ़ोन। अगर आप बैक कवर नहीं भी लगाते हैं तो बहुत ही मस्त, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये इसका ब्लैक वर्जन है, एक ब्लू में आ रहा है, यानी ब्लैक में है और ब्लू में है, दो कलर में है। तो ये ब्लैक वाला वर्जन है, काफ़ी लोग इसे भी पसंद करते हैं, काफ़ी लोग ब्लू को पसंद करते हैं। तो ये इस तरफ से सिम ट्रे दी हुई है, यानी 3 स्लॉट ट्रे है, 2 सिम लग जाएगी, एक SD कार्ड और वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का बटन है। सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं, 3.5mm जैक, सी टाइप USB कनेक्टर जिससे फ़ोन चार्ज होता है और साउंड सिस्टम, सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं, ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिए हैं। तो दोस्तों फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। पीछे का जो इसका बैक बनाया है बहुत ही शानदार और लाजवाब है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। Realme पावर्ड बाय एंड्रॉयड, स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लिया इसने, अब देखते हैं, आपके सामने ही है, मैं इसको कटूंगा पीटूंगा नहीं और नहीं भगाऊंगा। तो आप देख लीजिए, स्टार्ट होने में थोड़ा सा बस टाइम लिया, लेकिन इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है और जो अभी तक मार्केट में जो इसकी न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है। तो ये देखिए, फुल व्यू डिस्प्ले है, केवल कैमरा और जो सेल्फी लाइट है और आगे जो
स्पीकर दिया हुआ है उसकी जगह छोड़ी गई है, बाकी एक तरह से फुल व्यू डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले काफ़ी प्यारी है और मैं इसको स्वाइप करके भी देखता हूँ किस तरह। ये देखिए 2.5D का कर्व्ड ग्लास लगा हुआ है, गोरिल्ला ग्लास है, 2.5D कर्व्ड ग्लास, जिससे आपका फ़ोन डैमेज नहीं होता और काफ़ी स्क्रैच प्रूफ है, बहुत ही अच्छा है। टच काफ़ी स्मूथ है और बहुत ही मतलब हल्की है, सही है मेरे कहने का मतलब। फ़ोन के अबाउट सेक्शन में जाकर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। दोस्तों ये फ़ोन 32 GB इंटरनल स्टोरेज का है, लेकिन आप जब नया फ़ोन ख़रीदेंगे तो आपको 23 या 24 GB खाली मिलता है। बाकी का जो फ़ोन के जो अंदर के इंटरनल चीज़ें हैं, ऐप्स हैं प्री इंस्टॉलेड, वो जगह घेर लेते हैं। तो ये देखिए प्रोसेसर के बारे में, रैम के बारे में दिया गया है, 3 GB रैम वाला है प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर 450 प्रोसेसर है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पे दी गई हैं। तो दोस्तों अब कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फेस लॉक अनलॉक वाला फैसिलिटी मिल जाएगी और ओवरऑल सारी चीज़ें दी गई हैं, GPS अप्रॉक्सिमिटी सेंसर और ब्लूटूथ लेटेस्ट है। तो ये देखिए बैक कैमरा इस तरह से है आपके सामने, बैक कैमरा मैं ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी है। इसके अंदर और भी बहुत सारे मोड हैं, जो आप ब्यूटी मोड है, पनोरमा मोड है, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा भी दिखाऊंगा जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हुआ मिलूंगा। ये देखिए तो काफ़ी शाइनिंग है फ़ोटो में और काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है फ़ोन। अब मैं आपको इसके थोड़े रेट के बारे में बता दूँ। दोस्तों जो ये रेट है इसका, कई वेबसाइटों पर 9,500 रुपये लिस्टेड है 3 GB रैम वाला, और 2 GB रैम वाला 7,500 रुपये तक लिस्टेड है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लेते हैं 3 GB रैम वाला, तो आपको 8,500 रुपये में आराम से मिल जाएगा मार्केट में। मैंने पता किया था तो कई दुकानों पे आपको 8,500 रुपये में मिल जाएगा, और जो 2 GB रैम वाला है वो 7,500 रुपये में मिल जाएगा, यानी 1,000 का सिर्फ डिफरेंस था। लेकिन ऑनलाइन में अमेजन पे केवल 2 GB 3 GB रैम में 1,000 रुपये का डिफरेंस है। लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और ऑर्डर करना है तो कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, वहाँ क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो पर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।